तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार विजय घाट पर किया जाएगा। गोनी संवाददाता रमन ममगईन उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं। शाम लगभग 5:05 पर एक स्वप्नदृष्टा, एक नायक, एक कवि काल के कपाल पर एक नया गीत लिखने के लिए चल पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे, वो नहीं रहे। पूरे दिन से ही एम्स में लगातार हलचल मची रही, लगातार बड़े नेता यहाँ आते रहे। सारी पार्टी के भेदभावों को भुलाकर हर पार्टी के नेता यहाँ पहुँचे। सबके वाजपेयी जी के साथ व्यक्तिगत संबंध थे और एक व्यक्तित्व जो सबके दिलों में अंकित था, एक ऐसा नेता जो एक सीट से विश्वास मत हार जाता है। अगर आज की बात करें तो आज के वक्त में जीत हर हाल की बात की जाती है, लेकिन वो वाजपेयी ही जीते जो एक शानदार भाषण के बाद एक मत से हार गए। भारतीय जनता पार्टी आज भी वाजपेयी जी के कदमों पर चलने की बात करती है, लेकिन वो कदमों के निशान काफ़ी मुश्किल हैं। वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ आज भी याद आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि धरती को बौने लोगों की ज़रूरत नहीं है, धरती को ऊंचे कद के लोग चाहिए जो कि आसमान को छू लें, जो नए नक्षत्रों में प्रतिभा के नए बीज बो दें, लेकिन इतने भी ऊंचे ना हो कि पांव तले डूब न जम सके, इतने भी ऊंचे ना हो कि कोई कांटा ना चुभ सके, कोई कली ना खिल सके, सिर्फ उसमें ऊंचाई में अकेलापन का सन्नाटा हो। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना कि अपनों को गले ना लगा सकूं। तो ये वाजपेयी जी थे जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी किसी भी तरह के घमंड से, किसी भी तरह से दूर थे और गैरों को भी गले लगाने की इच्छा रखते थे। उम्मीद करते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देश के लोग भी वाजपेयी जी के कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे। रफीक के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।